देखिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम आज आपको सेट ऑफ लॉस एंड कैरी फॉरवर्ड की सेकंड क्लास है। इसमें आज हम आपके साथ सेक्शन 78 और सेक्शन 79 और सेक्शन 780 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, अपना टाइम को हम स्टार्ट करते हैं। तो अपनी क्लास का जो आज पॉइंट है, वो टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जिसमें कल मैंने आपके साथ काफ़ी सेक्शन डिस्कस करे थे। सेक्शन 17, सेक्शन 71, सेक्शन 72, सेक्शन 73, सेक्शन 73 ए, सेक्शन 74 और सेक्शन 74 ए को मैंने कल आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज जो हमें सेक्शन स्टार्ट करना है वो सेक्शन 78 है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर तुम्हारे बिजनेस में क्या हो जाता है, कोई चेंज हो जाता है, अगर तुम्हारे बिजनेस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसके ऊपर जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है वो सेक्शन 78 एप्लीकेबल होता है। कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है? सेक्शन 78 एप्लीकेबल होता है। सर, सेक्शन 78 क्या बताता है? मान लो मैं किसी प्रोपराइटर फॉर्म में था। प्रोपराइटर यू नो वेरी वेल कि मैं एक बंदा था, इंडिविजुअल, जो आराम से काम कर रहा था। क्या कर रहा था? काम। तो मुझे बहुत दुख होता था, मैं अंदर ही अंदर रोता था। क्या करता था? मैं अंदर ही अंदर रोता था कि मैं कैसे बड़ा बनूं या मेरा टर्नओवर कैसे बढ़े। तो मैंने क्या करा, मैंने किसी के साथ गया और मैंने कहा, भाई भाई मुझे तेरे साथ जुड़ के काम करना है। तो उसने कहा, आ जा, हम क्या बन जाते हैं? पार्टनर। क्या करते हैं? पार्टनर। तो हम क्या बन गए? पार्टनर। तो बताओ, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ, मैं पार्टनरशिप में किस में चला गया? पार्टनरशिप फर्म में चला गया। किस में चला गया मैं? पार्टनरशिप फर्म। मान लो या प्रोपराइटर कोई कंपनी क्या कर लेती है? टेक ओवर कर लेती है। क्या कर लेती है वो? टेक ओवर कर लेती है। क्या कर लेती है वो? टेक ओवर कर लेती। तो क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा? होगा ना। मैं अभी प्रोपराइटर था, अकेला बंदा था, सिंगल था, लेकिन अब मैं किसी कंपनी में पार्टनर या किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनर किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ। तो मैं अपने बिजनेस का क्या कर रहा हूँ? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहा हूँ। किसको चेंज कर रहा हूँ? अपने बिजनेस के संविधान को चेंज कर रहा हूँ। तो उस केस में जो सेक्शन अप्लाई होगा वो क्या है? सेक्शन 78। क्या बोलता है सेक्शन 78? लॉस मस्ट बी कैरी फॉरवर्ड बाय द पर्सन हु इनकर द लॉस, दैट इज द एसएससी मस्ट बी द सेम। याद रखना, अगर तुम्हारे उस बिजनेस में पहले कोई लॉस था, क्या था? लॉस था, और आगे से क्या कर रहे हो आप? कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, तो दो बातें याद रखना। पहली बात क्या, एसएससी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एसएसटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लिखा है, लॉस मस्ट बी कैरी फॉरवर्ड बाय द पर्सन हु इनकर द लॉस, दैट इज द एसएससी मस्ट बी सेम। सेकंड, लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बाय द सक्सेसर एग्जेम्प्ट इन केस ऑफ द इनहेरिटेंस। क्या लिखा है? इनहेरिटेंस। याद रखो, अगर तुम लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, किसके अंदर? इनहेरिटेंस, उत्तर अधिकारी के रूप में। मान लो मेरे फादर थे, कोई बिजनेस करते थे, या किसी एसएससी के फादर थे, वो बिजनेस करते थे, आज वो क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। क्या हो गए वो? एक्सपायर हो गए। तो उनका बिजनेस कौन लेगा? उनका बेटा लेगा। उनका उत्तर अधिकारी कौन बनेगा? उनका बेटा बनेगा। तो उस केस में लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अब एसएससी तो सेम तो रहेगा नहीं। एसएससी क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो गया, कॉमन सी बात है। उसके फादर एक्सपायर हो गए तो एसएससी सेम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इस केस में क्या है? एग्जेम्प्ट है, मतलब तुम नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तीसरा क्या बोला, लॉस हेयर मीन्स बिजनेस लॉस एंड डज नॉट इंक्लूड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्या लिखा है? डज नॉट इंक्लूड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। आप लॉस को तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, जो बताया है, लेकिन अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप जैसे नॉर्मल यूज करते हो आप ऐसे कर सकते हो। क्या लिखा है? लॉस मीन, क्या लिखा है? लॉस हेयर मीन्स बिजनेस लॉस एंड डज नॉट इंक्लूड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, मीन इट इज कैन बी कैरी फॉरवर्ड। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल है, मान लो हम लोग तीन पार्टनरशिप, हम चार पार्टनर थे, अच्छे लगे थे फोटो, चार पार्टनर थे। कौन थे हम लोग? चार पार्टनर, हम चार पार्टनर थे, पार्टनर ए, पार्टनर टू, पार्टनर थ्री, पार्टनर फोर। पार्टनर फोर सूरज था, आज इसकी डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। अब ये चार पार्टनर था, जब ये था तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 1,20,000 का नुकसान था। इसके रहने से हमें 1,20,000 का नुकसान था। आज ये क्या हो गया? चला गया। कहाँ चला गया? ऊपर वाले सेकेंड फ्लोर पर चला गया, ठीक है। अब बताओ, इसके रहने से हमें प्रॉफिट लॉस 1,20,000 का था,
इसकी ना देने से अब लॉस कितने का होगा हमारा, 90,000 रुपये। कितने का? 90,000 रुपये ओनली कैन कैरी फॉरवर्ड। तो आप कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 12 लाख था नुकसान। कितना था? 12 लाख। अब वो चला गया तो अपना ऐसा भी तो लेके जा रहे हैं, तो आप कितने का लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओनली ऑन 9 लाख का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गई पिक्चर? आ जाओ, तो याद आ गया, अगर मैं अपना बिजनेस क्या करता हूँ का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, अगर मैं अपने बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करता हूँ, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट ने सिंपल बात कह दी कि आप लॉस तो कैरी फॉरवर्ड तब कर सकते हो SSC सेम, लेकिन अगर SSC एक्सपायर हो जाएगा तो उस केस में वो अलाउ है, फिर लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लॉस का मतलब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है। आ जाओ, सेक्शन 79, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इन केस ऑफ द क्लोजिंग क्लोजली हेल्ड कंपनी। अगर बात किसकी आए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात है, अगर बात किसकी आए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात आए, तो उस केस में हमें क्या करना है। नॉट अ केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, पहला कह रहा है कि स्टार्टअप नहीं है, ये लेगा नॉट अ केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, ये एलिजिबल स्टार्टअप नहीं है। दूसरा क्या कहता है, केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन 80IAC। क्लियर, पहले ये करते हैं, लिखा है फर्स्ट ईयर, क्या लिखा है, फर्स्ट ईयर पहला, ये फर्स्ट है, 7 ईयर नो चेंज शुड बी देयर विद रिफरेंस टू द शेयर होल्डर। कह रहा है कि अगर तुम एलिजिबल स्टार्टअप हो, अगर तुम्हारे पास क्या है, एलिजिबल स्टार्टअप, या अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टअप का मतलब होता है कोई बिजनेस स्टार्ट करा, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, और तुम चाहते हो कि मुझे उसका क्या मिल जाए, डिडक्शन मिल जाए, क्या मिल जाए मुझे उसकी, डिडक्शन। तो याद रखना, क्या याद रखना, ये बात याद रखना जो यहाँ बता रहा हूँ, शेयर होल्डिंग ऑफ शेयर होल्डर एटलीस्ट 55% वोटिंग पावर इन द एटलीस्ट डेट ऑफ प्रिसीडिंग ईयर आर आल्सो द सेम इन द प्रीवियस इन विच लॉस आर टू बी कैरी फॉरवर्ड। अगर तुम स्टार्टअप कंपनी हो, तुम्हें 7-7 सालों तक तुम्हारे जो शेयर होल्डर थे, जो इस साल शेयर होल्डर थे, अगर वही शेयर अगले साल 51% तक थे, तो अपने लॉस को तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और यहाँ पर 3 प्रीसीडिंग लिख देना, कितना लिख देना, 3 प्रीसीडिंग है, कौन सा, 3 प्रीसीडिंग। दोबारा बोलता हूँ, सेक्शन 79 बताता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्या बोलता है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अगर वो अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहती है, क्या करवाना चाहती है, अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहती है, तो उस केस के अंदर, तो उस केस के अंदर अगर उसको ये स्टार्टअप नया है, तो 7 सालों तक अपने शेयर होल्डर को क्या रखना है, सेम रखना है, क्या रखना है, अपने होल्डर को सेम रखना है। क्या लिखा है, 7 ईयर नो चेंज शुड बी देयर विद रेफरेंस टू शेयर होल्डर, तो अपने शेयर होल्डर में कोई चेंजेस नहीं करना। लेकिन दूसरा कहता है नॉट अ केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, तो एलिजिबल स्टार्टअप में नहीं आते, मतलब सेक्शन 80IAC के अंदर नहीं आते। तो शेयर होल्डिंग ऑफ द शेयर होल्डर एटलीस्ट 55% वोटिंग पावर इन द एटलीस्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर आर आल्सो द सेम इन द प्रीवियस इन विच लॉस आर टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो मैं से कितना कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 3, कितना लिख देता हूँ यहाँ पर 3। समझ आ गया, आ जाओ। अगर मान लो मेरे पास 16-17 में 51% थे, 18-19 में भी 51 थे, और 17-18 में भी 51 थे, और 18-19 में भी 51 थे, मान लो मेरे साल 45% थे, तो मैं इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, लेकिन अगली बार 52% हो गए, यही शेयर होल्डर कितने बन गए, 52, तो कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अगले साल कितने हो गए, 60, तो कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो याद रखना, मैं कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकता हूँ जो मेरे लास्ट ईयर में जो 55% वोटिंग वाले शेयर थे, अब वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए मेरे, सेम, तभी मैं लॉस को क्या कर सकता हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। कुछ बातें याद रखना, सेक्शन 78, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। अगर किसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फर्म में कॉन्स्टिट्यूशन किसके कारण होता है, डेथ डेथ के कारण।
अब उसका कौन आ जाएगा, लीगल हेयर जिसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, उत्तराधिकारी के रूप में। अब मान लो उसके दो बेटे हैं, क्या हैं दो बेटे, मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड। मान लो क्या है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, और ये क्या हम स्टार्ट करें, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करें, तो क्या ये कर सकते हैं, लो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इस केस में कर सकते हैं, अगर एसएससी एक्सपायर हो जाता है इसके बाद वो दोनों मिलके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप हो, लो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओनली कौन से, डेथ के केस में, ओनली ओनली डेथ के केस में। क्लियर है? अब तुमने कहा सर हमें लॉस का बेनिफिट दे दो, तुम्हें लॉस का क्या दे दो, बेनिफिट, तो हमने कहा लॉस का बेनिफिट देंगे, लेकिन कुछ बातें मेरी मान लो, कुछ बातें मेरी मान लो, लॉस का बेनिफिट तब मिलेंगे जब तुम अपनी रिटर्न टाइम पे भरोगे। क्या सर, अपनी रिटर्न टाइम पे भरोगे। सेक्शन 80 बताता है पीजीबीपी नॉर्मल, पीजीबीपी स्पेकुलेटिव, पीजीबीपी स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर तुम्हारा कोई लॉस होता है पीजीबीपी के अंदर, अगर तुम्हारा कोई लॉस होता है पीजीबीपी के अंदर, उस लॉस को तुम तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जब अपनी रिटर्न को आप ड्यू डेट पर भरोगे। अगर तुम अपनी रिटर्न को ड्यू डेट पर नहीं फाइल करते, अगर अपनी रिटर्न को ड्यू डेट पर फाइल नहीं करते, अगर अपनी रिटर्न को आप ड्यू डेट पर फाइल नहीं करते, तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इफ ROI मतलब रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स शैल बी लिखा है, मतलब कंपल्सरी, बी फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 190 139। मतलब अपनी रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल कर देना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगी, आप उसको पेनल्टी नहीं कैरी फॉरवर्ड आप उसको नहीं कर सकते। क्लियर? लेकिन सेक्शन 71B और सेक्शन 32 क्लोज टू अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, क्या लिखा है, सेक्शन 71B सेक्शन 32 क्लोज टू, क्या बोला है, सेक्शन 71B सेक्शन 32 क्लोज टू, जिसे बोलते हैं अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, शैल कैन बी कैरी फॉरवर्ड, क्या कर सकते हो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इवन रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स नॉट फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। कब नहीं फाइल की गई आपने, ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करी, तब भी आप क्या कर सकते हो, उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इनकम टैक्स नॉट फाइल, ठीक है, तब भी आप उसे क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो याद आ गया, तो ये आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया, कौन सा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है।